नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर राहुल वोहरा, जिन्हें हाल ही में भारतीय जनता मजदूर संघ का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो सबसे पहले सर, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही? आपने जैसे सामाजिक कार्य शुरू किए जहाँ से, फिर अब आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इस बीच में आपकी जर्नी कैसे रही? मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं तो हमेशा से सामाजिक कार्यों में लगा रहता था, छोटे मोटे, और फिर किसी ने मेरे को रिकमेंड किया, किसी ने मेरे काम को देखा, उन्होंने कहा कि इतने सारे कामों में लगे रहते हो कि किसी संगठन से जुड़ो, वहाँ पर एक स्ट्रक्चराइज्ड वे है, उसके अंदर काम करो और जितने लोगों की मदद कर सकोगे आप उसमें, ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर पाओगे। तो फिर मेरे को जाटव जी ने भी मुलाकात हुई, जाटव जी ने मेरे को पसंद किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शांत प्रकाश जाटव जी ने, और मैं उनकी पुस्तक पढ़ के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ उनसे, एंड आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके साथ जुड़ूंगा। उन्होंने भी मेरे से बात करी, उन्होंने मेरे को समझा, उन्होंने मेरी हिस्ट्री देखी, काम देखे मेरे, और उन्होंने मेरे को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाना ठीक समझा। ये बताइए कि मजदूरों के वेलफेयर के लिए संगठन किस दिशा की ओर कार्य करेगी? मैम देखिए, हमारा जो संगठन है भारतीय जनता मजदूर संघ, ये मजदूरों के लिए और श्रमिकों के लिए ही है। इसके अंदर क्या है कि जिस भी प्रकार की उनको कठिनाइयाँ हो रही हैं, हम उस हर पॉसिबल वे में हम उनकी हेल्प करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी खुद की लॉयर्स की टीम है, और वो लोगों को अगर मतलब कि कुछ उनकी सुविधाएं नहीं मिल रही सरकार की, कुछ भी कठिनाई आ रही है, अगर कोर्ट में भी उनको ले जाकर मतलब उनकी मदद करनी पड़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से ये लीगल सर्विस प्रोवाइड होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस मैम, मैं एक आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर मजदूर अपना श्रमिक कार्ड जरूर बनाए। पहले होता था कि मतलब जाना पड़ता था ऑफिस के अंदर, ऑफिस में जाके बनवाना पड़ता था, अब ई कार्ड बन सकते हैं, ऑनलाइन ही बना सकते हैं। पहले की तरह सिस्टम नहीं रहा, बीच के कई बिचौली होते थे, वो उल्टा मिसयूज़ कर लेते थे, तो वो सारी चीज़ें अब नहीं रही। अब सारा का सारा एकदम क्लीन वे है, डिजिटल वे से हो रहा है, जस्ट वो ऑनलाइन ई श्रमिक कार्ड को ही सर्च कर लें गूगल पे, उनको पहला लिंक ही मिल जाएगा और उस पर जाके वो अपने आप को रजिस्टर करें, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो दें, उनका कार्ड बन जाएगा जी। सर, जैसे कि सरकार ने मजदूरों के लिए, मजदूरों के हितों के लिए कई तरह के योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन ये योजनाएं उन्हें पता नहीं चल पाती हैं, तो उसके लिए आपका संगठन क्या कार्य करेगा? मैम देखिए, इसके अंदर ना एक तो ना अवेयरनेस की कमी है, योजनाएं सारी बनी हुई हैं पर मजदूरों को पता ही नहीं है कि क्या क्या उनके लिए योजनाएँ बनी हुई हैं, रिगार्डिंग दी मॉनिटरी टर्म्स के अंदर भी, इवन मेडिकल फैसिलिटीज़ भी क्या क्या बनी हुई हैं उनको वो भी नहीं पता। इसलिए मैं कहूँगा सबसे पहले ई श्रमिक कार्ड जरूर बने, ई श्रमिक कार्ड बनेगा उसके बाद उनको ऑफिस के थ्रू ही काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी। बाकी हमारी टीम अवेयरनेस में पूरा वर्क कर रही है, हमारे जगह जगह पे कैंप्स लगते हैं, हम जाते हैं दिल्ली प्रदेश के अंदर, मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक गांव में, मोहल्ले में, हर जगह पर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे हर किसी को, और उनको जो भी मतलब कि बेस्ट पॉसिबल वे में हम पहुँचा सकते हैं सारी की सारी अवेयरनेस वो पहुँचाएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि अभी तक मजदूरों के हित के लिए क्या कार्य नहीं हुआ है जो आप अब करेंगे? मैम देखिए, कार्य देखिए, सुविधाएं बहुत सारी बनाई हुई हैं सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी, और उसके अंदर से बहुत सारी सुविधाएं कुछ लोगों को मिल रही हैं पर कुछ लोगों को नहीं मिल रही। एरिया टू एरिया ना डिपेंड कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन एक एरिया में आ जाती है वहाँ के तो सारे श्रमिकों को मिलती है उसकी फैसिलिटी, पर दूसरे एरिया में नहीं आई, तो उसके लिए हम जो कार्य करेंगे, हमने जगह जगह कैंपेन्स करने हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी, लोगों के घरों तक जाके उनको अवेयर करना कि अगर आपने ये अपनी सुविधाएँ ली हैं, नहीं ली तो आज ही अवेयर करो। प्लस मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी श्रमिक भाई अगर उसको मतलब कि कोई सुविधा नहीं मिल रही या फिर उसको कुछ भी मतलब कि समझना चाह रहे हैं तो वो मेरे पास आ सकते हैं, मेरे पास आएँ, हमारे किसी भी वॉलंटियर से, भारतीय जनता मजदूर संघ के कोई भी वॉलंटियर से वो कनेक्ट हो जाएं, उनसे बात करें, हम उनको ऑनलाइन पूरा का पूरा गाइड कर देंगे, अदरवाइज़ वो मेरे को कॉल करें, मेरे पास आएँ, कार्यालय में आएँ, हम पूरी हेल्प करेंगे। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शांत प्रकाश जाटव जी, उन्होंने मुझे इस ज़िम्मेदारी के काबिल समझा, उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी मतलब ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से ये ज़िम्मेदारी को निभाऊंगा। धन्यवाद। ये था हमारे साथ भारतीय जनता मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राहुल वोहरा, जिनका कहना है कि इन्हें दी हुई जिम्मेदारी को ये बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।